नमस्ते दोस्तों क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन एंड एंजॉय द क्लिप एक बहुत रॉ सवाल है बट इस सवाल के बारे में मैं बचपन से सोचते आ रहा हूँ और जब मैं अडल्ट से पूछता था मुझे थप्पड़ भी मिले ये सवाल पूछने के लिए पर मैं फिर से ये पॉडकास्ट पर पूछूंगा जब हम वानर सेना के बारे में, बारे में बात करते हैं जब हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं हनुमान जी मेरे भी इष्ट देव है मैं बचपन से हनुमान चालीसा हर दिन बोलते जा आ रहा हूँ और पर ये जो वार वानर सेना है क्या आप ये मानते हो कि असल में आ, बंदरों की सेना थी या क्या ये कोई होमोसेपियंस के कजन्स थे आ, ये कोई एक दूसरी स्पीशीज़ थी या क्या ये लोकल आ, आ, पॉपुलेशन थी उन एरियाज़ की जैसे आई बिलीव कि आ, वानर सेना की ओरिजिन कर्नाटक में है

बड़ा दुख होता है कि हम्पी को सब लोग जानते हैं कर्नाटका में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कृष्णदेव राय ने बनाया वो तो तीन चार सौ साल पुरानी बात है फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड किशकिंदा इज़ द ओरिजिन जहाँ पे हनुमान और सारे जो ये जिसे हम वानर सेना कहते हैं और मैं उस बात को मानता हूँ कि दे आर फॉरेस्ट डेलिंग डवेलिंग ट्राइब्स जो कि स्पेशल उनके पास उनको स्पेशल उनके पास स्किल्स थी जिनको राम और लक्ष्मण ने यूज़ किया दे आर नॉट मंकीज फॉर श्योर एक, एक मिनट सर पहले आपने नाशिक की बात करी थी इसी पॉडकास्ट में Correct. और कहा कि शूरपनखा वहाँ राम जी लक्ष्मण जी और सीता से मिली फिर नाशिक से आ, राम भगवान और लक्ष्मण यहाँ तक आ गए हम्पी तक आ गए और यहाँ उन्हें सुग्रीव और बली आ, का वो इन हाँ, हाँ हाँ जी ओके अब बताइए हाँ पंचवटी से निकले क्योंकि जटायु को मारा जटायु ने जाते वक्त बताया कि वो साउथ की दिशा में गए तो आप वहाँ जाइए उसके बीच में उनको सूर्यवान में शबरी मिली और शबरी ने बताया कि आप जाके बाली से मिलो वो आपकी मदद करेगा हाँ शबरी कौन तो शबरी वाज अ डिवोटी एंड उसे विष्णु वो विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थी तो शबरी उनको मिलती है जो गाइड करती है कि आप किशकिंदा जाओ एंड वो साउथ में ही आ रहे हैं पंचवटी से नीचे होते हुए टूवर्ड्स किशकिंदा हम्पी इन कर्नाटका हम्पी में इनको सुग्रीव बाली और हनुमान मिलते हैं जो बताते हैं कि मेरे भाई के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था जहाँ पे बाली और सुग्रीव से मुलाकात होती है और वहाँ फिर हनुमान को भेजते हैं कि सीता यहाँ से कहाँ गई रावण कहाँ ले गया और हनुमान खोज में निकलता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो समुंदर पार करके जो आइलैंड है श्रीलंका का रावण वहां पे है और फिर ये पूरा यहाँ से पूरी सेना जो है रामेश्वरम पहुंचती है और रामेश्वरम से फिर वो कहानी आगे जाती है एक आखिरी सवाल है वानर सेना को लेके हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आधे देवता थे आधे वानर थे आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे डिपेक्ट क्यों किया जाता है क्योंकि जब कोई हनुमान जी के बारे में सोचता है कोई भी एक आदमी के बारे में नहीं सोचेगा बिल्कुल जैसे उनके फोटोज दिखाए जाते हैं मतलब मैं भी जब उनके बारे में सोचता हूँ वही इमेज मुझे दिखता है जो हम सभी को दिख रहा है इसलिए आई डोंट नो मैं मेरा दिल शायद ये मानता नहीं कि वो सिर्फ एक मानव थे Absolutely not. Okay. He is a he is worshipped as a god. But Ramayan में जैसे राम मानव की जिंदगी जी रहे उन्हें उन्हें ये नहीं पता कृष्ण को पता है महाभारत में कृष्ण को पता है कि वो विष्णु है हुँ. वो अपना रूप भी दिखा देता है जी जब उसको चैलेंज किया जाता है जी राम को पता नहीं है कि वो ह्यूमन वो ह्यूमन फॉर्म में ही है उसे नहीं पता कि मैं विष्णु हूं हनुमान के दो रूप हैं भगवान होने के अलावा वो रामायण में राम के प्योर भक्त हैं वो और इसीलिए लोग उनको ज़्यादा आप देखोगे तो हनुमान को लोग प्यार करते हैं जी राम को लोग पूजा करते हैं क्योंकि हनुमान बहुत क्लोज है आपके आप आपकी तरह वो डिवोटी है जब राम अयोध्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया आपका जो धरती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कंप्लीट हो गया है अब आप प्लीज़ चलिए आप तैयार हैं क्या बताइए उसे भी पूछना पड़ रहा है विष्णु को तो राम कहते हैं तो सरवी नदी में वो चले जाते हैं पानी में सारे लोग चले जाते हैं हनुमान नहीं जाते हनुमान कहते हैं कि मैं अगर जाऊंगा वहाँ पे तो वहाँ राम 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 कोई राम का नाम नहीं ले रहा है मुझे यहीं पे रहना है जहाँ राम का नाम लेते हैं वो तो राम कहते हैं ठीक है आप फिर हनुमान गढ़ी में यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या दैट इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन अयोध्या आप वहाँ बैठो और वहाँ आप अयोध्या का प्रोटेक्शन करो और वहाँ आपको राम नाम रोज़ सुना देगा क्योंकि राम की लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे तो हनुमान डजेंट गो विद राम ही स्टेज बैक तो ही इज़ अ कॉम्बिनेशन की जो एक ह्यूमन की तरह हमारी तरह डिवोटी है राम भक्त है राम के चरणों में है एट द सेम टाइम वो खुद भगवान है पर उसे नहीं पता वो तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है रामायण में इसीलिए हनुमान को लोग इतना इतना मानते हैं इतना प्यार करते हैं लोग अपना समझते हैं कि हम हमारी तरह ही वो अल्टीमेट डिवोटी है राम का राम तो विष्णु है कुछ लोग इस पॉडकास्ट पर आए जिन्होंने ये आइडिया पिच किया कि शायद ये होमोसेपियंस के कोई कजन हो सकते थे शायद पर अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है पॉसिबल नहीं। पॉसिबल आई एग्री कि कोई वर्जन बड़ा मुश्किल है बताना बट यस yes, कि इस टाइप के लोग जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं पर वो जंगलों में ही रहते हैं इसके लिए इतना लंबा लंबा कूद सकते हैं वो और अलग तरीके से जीते हैं टीआरएस क्लिप हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा